गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पार्ट 5 पढ़ेंगे जो है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। ये लेखक, इसके जो लेखक हैं वो हैं विष्णु खरे जी। आइए विष्णु खरे जी के बारे में थोड़ा सा जान लें। इनका जन्म 1940 में छिंदवाड़ा में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक गैर रोमानी समय में खुद, खुद अपनी आंख से, सबकी आवाज के पर्दे में, पिछला बाकी, आलोचना की पहली किताब, सिनेमा पढ़ने के तरीके इत्यादि। ये इनकी रचनाएं हैं। इनको कुछ पुरस्कार भी मिले हैं, देखिए कौन से हैं वो। रघुवीर सहाय सम्मान, हिंदी अकादमी का सम्मान और शिखर सम्मान इत्यादि। अब इस पाठ में देख लेते हैं कि क्या बताया गया है। इस कहानी में लेखक विष्णु खरे मनोरंजन कार्यक्रम में सिनेमा के महत्व को बताते हुए हमें चार्ली चैपलिन नामक महान अभिनेता के बारे में बताते हैं। चार्ली चैपलिन नामक महान अभिनेता का बड़ा योगदान है, क्योंकि विश्व के मनोरंजन कार्यक्रम में इसलिए चार्ली चैपलिन यानी हम सब नामक पाठ में इस महान अभिनेता के भीतर के इंसान को का अवसर देता है। यानी ये जो पाठ है ये हमें चार्ली चैपलिन के बारे में बताएगा, उनके बारे में हम और अच्छे से जान पाएंगे। आइए पाठ देख लेते हैं। पाठ है हमारा चार्ली चैपलिन यानी हम सब। प्रस्तुत लेख में विष्णु खरे ने फिल्मों के महान अभिनेता चार्ली चैपलिन के महत्व का वर्णन किया है। चार्ली चैपलिन की जन्मशती पर लिखे गए इस लेख में उनके कला की दुनिया में दिए गए योगदान और उनके जीवन के पहलुओं को बताया गया है। चार्ली चैपलिन समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं को पार कर भारत सहित विश्व के करोड़ों बच्चों को उन्होंने हंसाया है। उनके विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है, तो बहुत कुछ अनुमानित भी है कि आने वाले 50 वर्षों तक उनके बारे में कहा जाएगा। आगे देखते हैं। उनकी फिल्में भावात्मक आधार पर होती थी, यही कारण है कि वैज्ञानिक मरीज सभी समान रूप से उनकी फिल्मों में रस लेते थे। चैपलिन ने दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़कर लोकतांत्रिक भावना को बल दिया है। उनके ऐसे करुणा मिश्रित किरदार ने पूरे विश्व को हंसाया है। उन्हें बाद में अपनी माता के पागलपन से जूझना पड़ा और यही नहीं, पूंजीवादी और साम्यवादी के नशे में चूर समाज की दुत्कार भी उन्होंने सहन की। उनकी नानी खानाबदोश जाति से संबंधित थी और उनके पिता यहूदी थे। इन्हीं कारणों से चार्ली हमेशा के लिए बाहरी और घुमंतू बन गए। करोड़पति बनने के बाद भी उन्होंने अपनी छवि नहीं तोड़ी। चार्ली चैपलिन ऐसे व्यक्ति थे जिन पर बहुत अधिक लिखा जा चुका है। उनका मानना था कि कला अपने सिद्धांत स्वयं लेकर आती है। यही कारण है कि उनका करुणाजनक किरदार आज भी लोगों के हृदय में बैठा हुआ है। उनकी हंसी इतनी जीवनदायी होती है कि लगता था मानव चरित्र जाना पहचाना सा प्रतीत होता है। चैपलिन भावना को बुद्धि से अधिक महत्व देते थे। दो घटनाओं ने उनके जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। पहली थी, एक घटना तब हुई जब उनकी माता ने उन्हें ईसा मसीह का जीवन पढ़कर सुनाया, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी किया है। दूसरी घटना उनके अपने घर के पास हुई। एक भेड़ जो अपनी जान बचाकर भागी थी, लोगों ने पुनः पकड़कर कसाई को उसे सौंप दिया। भेड़ की दशा देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया और इस घटना का वर्णन भी उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया है। चैपलिन स्वयं के भीतर करुणा और साहस के मेल को इसी घटना की देन मानते हैं। लेखक बताते हैं कि जीवन में सुख दुख का आगमन सभी सांस्कृतिक परंपराएं स्वीकृत करती हैं। जहां तक भारतीय सौंदर्य शास्त्र की बात है, उसमें भी एक से अधिक प्रश्नों के योग को शुभ माना गया है, लेकिन उसकी कभी भी करुणा के साहस में बदल जाने का वर्णन नहीं है।
रामायण महाभारत आदि में भी इन दोनों का मेल नहीं मिलता। विदेशी कला को अपना लेना एक बहुत बड़ी मिसाल है। हमारे में बहुत कम नायक होते हैं और अधिकतर कभी न कभी विदूषक समझे जाते हैं। वास्तव में हर मनुष्य ईश्वर या नीति का विदूषक यानी बातचीत द्वारा एक दूसरे को हंसाने वाला होता है। चार्ली के दोहरे व्यक्तित्व के कारण ही महात्मा गांधी और नेहरू उनका साथ चाहते थे। चार्ली के अद्भुत व्यक्तित्व से प्रभावित होकर यह भारतीय फिल्म जगत के प्रयोग धर्मी निर्माता निर्देशक एवं अभिनेता राज कपूर ने उनके भारतीयकरण का सफल प्रयास किया था। आवारा और श्री 420 फिल्मों में स्वयं पर हंसने की परंपरा का श्री गणेश हुआ था। इस तरह राज कपूर से शुरू हुआ सिलसिला दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी आदि तक दोहराया गया। लेखक कहते हैं कि महाभारत में एक स्थल पर करुणा और साहस का मेल दिखाई देता है, परंतु उसकी करुणा की व्याख्या ही स्वीकृत है। जैसा कि मुख्य फिल्मों में कलाकारों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल न होने से वे अधिक भावात्मक बन पड़ी हैं। चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह किसी भी संस्कृति के लिए पराये नहीं थे। हर आयु का दर्शक उनमें अपनी झलक देखता था। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की रचनाओं के पात्र हमारे आसपास के लगते हैं, वैसे ही चार्ली में हमें अपना रूप दिखाई देता है। हमारे यहाँ चैपलिन का रूप केवल होली के त्योहार पर दिखाई देता है। चार्ली गौरव, शक्तिशाली तथा कठोर के चरणों में खुद पर अधिक हंसते थे। जब हमारी खुशहाली बदहाली में बदलती है, जीवन के महान चरणों में बदनामी ही पाते हैं। शक्तिशाली होते हुए कायरों की भांति पलायन करते हैं, जहां हारते हारते जीत जाते हैं, तब हम सब चैपलिन बन जाते हैं। वास्तव में हम सब चार्ली के ही पर्याय हैं। अतः लेखक ने चैपलिन कहानी के माध्यम से हमें जीवन की सच्चाई को बताया है। हर परिस्थितियों में हंसते मुस्कुराते जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की बात हमसे कही है। तो आपने देखा कि किस तरह से चार्ली चैपलिन यानी हम सब का जो मतलब है वह इस पाठ में किस तरह से चरितार्थ किया गया है, किस तरह से हमें लेखक विष्णु खरे जी ने इस बात को अच्छे से समझाया है। तो आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे घर पर पढ़ेंगे और दोहराएंगे। धन्यवाद।